हाय फ्रेंड्स, तो आज जो मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और दिखाने वाला हूं आपको, वो है ब्रूटा का 180 वॉट्स का इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर या विस्कर कह सकते हो। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो मुझे ये बहुत ही एक अमेजिंग प्राइस में मिला है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं कि बॉक्स में क्या मिलता है। खोलते हैं इसे। तो ये है हमारा हैंड ब्लेंडर। डिस्क्रिप्शन के मुताबिक तो इसको ब्रूटा नाम का कोई ब्रांड होना चाहिए था, बट ये स्कारलेट इंग्लैंड का कोई नाम लिखा हुआ है इस पर। खैर, अच्छा चलना चाहिए। वैसे भी हमने नॉन ब्रांडेड ही मंगाया था एक तरह से। तो और क्या बताया गया है इसके बारे में खास? 7 स्पीड कंट्रोल, 4 अटैचमेंट्स, इजेक्ट सेफ्टी बटन, ऑन ऑफ स्विच, हैंड ब्लेंडर विथ, एक ही चीज़ को दोबारा लिख दिया। चलिए जो भी है, चलिए इसे खोलते हैं। सबसे ऊपर हमें ये मिल जाते हैं 2 क्रोम बीटर्स। आवाज है तो अच्छे लग रहे हैं। और मिल जाते हैं 2 हुक्स, थोड़ा अगर टाइट मतलब पतला नहीं, थोड़ा हार्ड अगर आप कुछ गूंद रहे हैं तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्लेंडर मशीन, ये छोटा सा एक मैनुअल है और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये है मशीन हैंड ब्लेंडर। प्लास्टिक तो नॉर्मल, एक हल्का सा बैंड दिख रहा है। वैसे भी इतने प्राइस में एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं आप। तो नीचे 2 ये दिए गए पोर्ट्स की तरह, जहां आप इनको लगाकर ब्लेंड विस्क या जो भी करना हो कर सकते हो। और ये ऊपर स्पीड्स का या स्पीड का यहाँ दिया हुआ है। वन टू थ्री फोर, 2 हो गया, 5 6 7। तो वायर की लेंथ देखते हैं कितनी है इसकी। वायर की लेंथ कुछ खास नहीं है, कुछ आधा मीटर भी नहीं है, ये तो ज़्यादा लंबी वायर नहीं है। आपको मेरे ख्याल से एक्सटेंशन कॉर्ड यूज़ करना ही पड़ेगा। प्लग की क्वालिटी वैसे अच्छी है, जो पिन दिया हुआ है इसकी क्वालिटी अच्छी है। वायर भी अच्छी क्वालिटी की लग रही है मुझे। देखिए, छोटी सी हैंडी सी है एकदम। फाइनली हमें क्या मिलता है बॉक्स में वो हम देख लेते हैं। एक तो ये मशीन, 2 हुक्स, 2 हमें मिलते हैं क्रोम बीटर्स, अपनी मैनुअल भी है एक। अब आपको मैं अपना ये जो हमारा हैंड ब्लेंडर हैंड मिक्सर है, इसे मैं आपको अंडे फेंट कर दिखाऊंगा। मैंने यहाँ 4 अंडे लिए हैं, फटाफट इन तोड़ लेते हैं। तो चलिए लेते हैं अपना विस्कर, इसे करते हैं अटैच। चलिए शुरू करते हैं विस्क करना। मुझे लग रहा है बर्तन छोटा पड़ गया था। एक मिनट में जरा बर्तन चेंज कर लेता हूँ। तो चलिए दोबारा शुरू करते हैं अब इसमें।
वन या सर टू पे चल रहा है ये, फुल करके देखते हैं। ये नीचे बाउल से लग रहा है तभी आवाज़ आ रही थी, तो उठा लिया तो आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए कितना फ्रॉडिंग होता जा रहा है ये, कितना धीरे 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 ये फ्लफी बनते जा रहा है। तो आप देख सकते हैं विद इन मिनट्स ये कितना डबल हो गया, मतलब साइज में डबल हो गया, लगभग इतना फ्लफी हो गया, इतनी हवा इसमें भर चुकी है। देखिए इसके कुछ मैं इंटरनल पार्ट्स दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अंदर जो फैन लगा हुआ है इसमें, देखिए वो भी प्लास्टिक का है ये। दूसरा मैं अगर ये ऊपर जो नीचे हुक्स थी उसे निकालने के लिए जो है, अगर मैं उसे दबा कर आपको अंदर दिखाऊं तो देख पा रहे हैं कि नहीं, जो प्लास्टिक है वो देखिए अंदर एक आपको प्लास्टिक का वो एक व्हील सा है वो दिख रहा होगा। तो आपने देखा ब्रूटा या फिर आप कह लो स्कारलेट इंग्लैंड का हैंड ब्लेंडर, हैंड मिक्सर, आपने उसकी अनबॉक्सिंग देखी और मैंने आपको एक बीट करके भी दिखाया उसमें। इसे मैंने लिया था 395 रुपीज़ में, लगभग 400 रुपये में। एक हैंड ब्लेंडर 400 रुपये में, 400 से भी कम में, तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ना ही आप इसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करें, क्योंकि एक जेनरिक सा ब्रांड, ब्रांड भी नहीं कहूँगा, जेनरिक का आपको मिल रहा है हैंड ब्लेंडर। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो है इसकी बॉडी, बहुत देखो इतना सा छोटा सा ये है, आपने देखा ही होगा छोटा सा है ये। जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अब ये भी नहीं कि आपने ख़रीदा और शायद 6-7 महीने बाद या 1 साल बाद ख़राब हो जाए। तीसरा जो पॉइंट है विस्किंग का, विस्किंग तो आपने देखा ये विस्किंग अच्छी करता है, जल्दी कर लेता है, 4 अंडे की मैंने आपको विस्किंग करके दिखाई तो ये अच्छी तो कर लेता है। लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसे मेनली जो लिया था वो था केक बनाने के लिए, तो शुगर और ऑयल डाल के जब आप करोगे तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है ये, मतलब चलने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं करता बट थोड़ा हैवी चलता है ये। तो ये एक बात है कि आप ऐसे नहीं कि नहीं होता, होता है बिल्कुल परफेक्टली होता है, लेकिन थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा लग जाता है उसमें, शुगर वगैरह और कुछ डालकर आप एडमी करोगे तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो थोड़ा टाइम लेता है। और साथ में इसके जो दो हुक्स दिए हुए हैं, नॉट दो, दो आटा बनाने वाला, आटा बनाने वाला, तो वो जो हुक्स दिए हुए हैं वो कम्प्लीटली यूज़लेस हैं, मतलब उसे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे दो बनाने के लिए।
इतना स्ट्रांग नहीं है ये कि दो गूंद लेंगे, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिस मैंने आपको इसके इंटरनल पार्ट्स भी दिखाए हल्के हल्के से जो दिख रहे थे बाहर से, वो भी प्लास्टिक के हैं, तो ज़्यादा आप इस पर ज़्यादा हैवी यूज़ करोगे इसे तो डेफिनेटली ये या तो मोटर जल जाएगी, जो प्लास्टिक के पार्ट अंदर टूट जाएंगे, या कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर आने वाली है। तो दो इस पर बिल्कुल नहीं गूंदा जा सकता, इम्पॉसिबल है, वो दिए हुए हैं बट यूजलेस, कम्प्लीटली यूजलेस हैं दो गूंदने के मामले में। विस्किंग बहुत अच्छी कर लेता है, यह जल्दी कर लेता है, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं कर पाएंगे, छोटी क्वांटिटी में चार अंडे से लेकर, तीन से लेकर चार अंडे तक का केक आप इसमें आराम से बना। और एक बात अगर मैं कहूँ तो हल्का नॉइजी है, आपने देख ही लिया कितना नॉइजी है, हल्का सा नॉइजी है। हल्का सा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मैंने इसके लिए पे किया है उसके हिसाब से कम्प्लीटली नॉइजलेस है ये, तो इसलिए हल्का नॉइजी है ये। और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है, सस्ते में अगर आपको काम चलाओ कुछ लेना है तो आप ले सकते हो, अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो। और केक वगैरह भी आप सिर्फ पर्टिकुलरली केक के लिए या फिर विस्किंग के लिए, हल्की विस्किंग के लिए आप लेना चाहते हो, एग को बीट करने के लिए, या फिर आप जस्ट दही को आपने बीट करना है उसके लिए, तो उसके लिए आप ले सकते हो। कभी कभार आप इसमें इसको यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए इन सेंस लाइक आप इसे एट अ स्ट्रेच यूज़ करेंगे, मतलब जस्ट आपने अभी बीटिंग स्टार्ट की उसे कंटिन्यूसली 5 मिनट्स के लिए, या फिर एट अ स्ट्रेच 7-10 मिनट्स के लिए एट अ स्ट्रेच ना करें, रोक रोक कर 2-3 मिनट करें फिर रोक लें, फिर 2-3 मिनट करें रोक लें, तो वैसे आप कर सकते हैं। तो 180 वॉट का ये जो हैंड ब्लेंडर है ऑल इन टोटल 400 रुपये या उससे कम के लिए एक अच्छा पैकेज है। तो फाइनली मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, 450 रुपये में आपको आसानी से ये किसी सेल में मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे, तो अगर आप इच्छुक हैं लेने के तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चेक कर लीजिए। कैसा लगा आपको इसका रिव्यू, अनबॉक्सिंग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आता हूँ मैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।